जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज आवाज और मैं आपके साथ हूं नितिन। आज हम बात करने वाले हैं हलाल के बारे में। हालांकि हलाला और हलाल दोनों में फर्क है, फिलहाल हम बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने यानी कि योगी के सरकार ने उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन जो जारी कर दिया जाता था वो फिलहाल बैन कर दिया गया है। और इसी के साथ हम बात करेंगे कि हालांकि कौन सी कंपनियां जो है वो हलाल सर्टिफिकेट देती थी और किन प्रोजेक्ट पे किन प्रोडक्ट्स पे हलाल सर्टिफिकेट जारी किया जाता था। उसके पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हलाल होता क्या है। सबसे पहली बात आपको बता दूं कि हलाल एक प्रक्रिया है जो आज़ादी के बाद यानी कि 1947 के बाद ये भारत में लागू कर दिया गया। यानी कि जो जानवर है उसकी ज़बह की जाती है, उसके बाद वो हलाल होता है और ज़बह भी करने की प्रक्रिया होती है। हालांकि ज़बह करते वक्त जब गर्दन को काटा जाता है तो पूरे तरीके से यानी कि धड़ से शीर को अलग नहीं किया जाता है, उसमें लगा होना चाहिए और शरीर से पूरे खून बाहर आ जाए उसको ज़बह बोलते हैं। इस प्रक्रिया से जब गुजरता है तो हलाल बोलते हैं। अब जब पूरे उत्तर प्रदेश में हर प्रोडक्ट्स पे, हालांकि अगर ये लागू किया जाए तो मांसाहारी जितनी भी सारी चीज़ें हैं उस पे लागू हो तो समझ आता है। अगर ये सारी चीज़ें बिस्किट, नहाने की साबुन, बाकी सारी चीज़ें पे अगर ये हलाल सर्टिफिकेशन जारी करना शुरू कर दिया जाए तो ये गलत है। हालांकि बता दूं कि पूरे भारत में लगभग 8 लाख करोड़ का ये पूरा इसकी बजट होती है, यानी कि पूरा मार्केट होता है, मार्केट सिस्टम जो है 8 लाख करोड़ का है लगभग, और पूरे उत्तर प्रदेश में 30,000 करोड़ का ये मार्केट है। अब बड़ा सवाल ये हो जाएगा कि जो हमारे देश में मुस्लिम उद्योगपति हैं, जैसे कि अजीम प्रेम जी की बात करें या फिर हमदर्द ऐसे प्रोडक्ट है जो रुआब्जा बनाती है, ये सारे प्रोडक्ट हिंदू के घरों में भी पहुंच जाता है, तो कोई भी हिंदू ये तो नहीं सोचता कि इस पे कोई हिंदू समुदाय का मुहर लगा हो तब हम खरीदेंगे। हालांकि ये धर्म के अनुसार अगर हम मान भी लेते हैं कि हलाल करना ज़रूरी है तो सिर्फ मांसाहारी प्रोडक्ट्स पे ही ये लागू हो तो समझ आता है। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से इस पे सियासी करना शुरू हो चुका है। हालांकि विपक्षी दल जितने भी हैं, भाजपा या फिर जितने भी हमारे देश में विपक्षी पार्टी है, वो बीजेपी को घेराव करना शुरू कर दिया है और लगातार इस पे सियासत गर्म होते नजर आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही बनेगा कि आखिर बैन कर देने के बाद किन लोगों को पेट में ये दर्द होना शुरू हो चुका है। हालांकि क्यों, हालांकि मांसाहारी, मैं बार बार यही कह रहा हूं और समझाने की कोशिश भी कर रहा हूं कि मांसाहारी प्रोडक्ट पे समझ आता है लेकिन बाकी किसी और चीजों पे ये बिल्कुल जायज नहीं है। हालांकि अब इस पे बैन कर देने के बाद जो भी इस पे संलिप्त पाया जाएगा यानी कि बेचने में या फिर खरीदने में या फिर कोई भी इस पे जो कंपनी पहले प्राइवेट कंपनी थी वो मुहर लगाती थी वो अब बैन कर दिया गया है। अब आपको बताना चाहूंगा कि कौन ऐसी प्रोडक्ट वाली कंपनी थी जो इस पे ये मुहर लगाती थी और बताती थी कि हलाला है, हलाल है और ये चीज़ें इस्लाम के लिए सही है यानी कि जायज़ है। उसके पहले मैं नाम लेना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कौन से वो सारी प्रोडक्ट पे जो मुहर लगाने वाली कंपनी थी। देखिए, भारत के हलाल करने वाले जो कंपनियाँ थी उसमें 4 नाम हमारे सामने आया। आपको बता दूँ कि पहला नाम है हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये मुहर लगाती थी। दूसरा है हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और तीसरा है जमियत उलमा ए महाराष्ट्र, जमियत उलमा ए हिंद की एक राज्य इकाई, और चौथा जो है वो है जमियत उलमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट। ये सारी चीज़ें, ये सारी जो कंपनी खुद की बनी हुई थी, वो जितने भी प्रोडक्ट थे वो हलाल का अपना सर्टिफिकेशन देते थे और उस पर चार्ज भी बढ़ जाती थी यानी कि वो प्रोडक्ट महंगा मिलता था। हालांकि हमारे देश में FSSI जो कंपनी है ये भारत द्वारा मान्यता प्राप्त है, ये सारी चीज़ें ये कभी भी इस तरीके के हलाल टाइप की सर्टिफिकेशन कभी नहीं देती है। तो आपकी क्या राय होगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बन रही हमारे साथ।